उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। इस घटना के मुख्य आरोपियों में शामिल सरफराज और तालीम को एनकाउंटर के दौरान पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहराइच के एसपी वृंदा शुक्ला ने एनकाउंटर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद फहीन, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल शामिल हैं। एसपी का कहना है कि हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार बरामद करने के लिए जब पुलिस टीम गई तो छुपे हुए आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में दोनों मुख्य आरोपियों को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए नानपारा सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। जी, थाना हरदी के क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पर छिपाया गया था, और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन जुलूस पर एक विशेष समुदाय ने पथराव कर दिया था, जिसमें एक युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसे लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। इस घटना के मुख्य आरोपियों में शामिल सरफराज और तालीम को एनकाउंटर के दौरान पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहराइच के एसपी वृंदा शुक्ला ने एनकाउंटर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद फहीन, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अफजल शामिल हैं। एसपी का कहना है कि हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार बरामद करने के लिए जब पुलिस टीम गई तो छुपे हुए आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जवाबी कार्रवाई में दोनों मुख्य आरोपियों को गोली लगी है, जिन्हें इलाज के लिए नानपारा सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। थाना हरदी के क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी, सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पर छिपाया गया था, और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। आपको बता दें कि मूर्ति विसर्जन जुलूस पर एक विशेष समुदाय ने पथराव कर दिया था, जिसमें एक युवक रामगोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया, जिसे लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरह से एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।